नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 युवकों के सेक्स टॉर्शन में फंसने का मामला सामने आया है। दरअसल साइबर ठगों की ओर से वीडियो कॉल आया था, फोन उठाते ही दूसरी तरफ से लड़की ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया था। फिर दोनों युवकों की न्यूड वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करके हजारों रुपए वसूल लिए हैं। दोनों युवकों को रुपए न देने पर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और उनके परिजनों को भेजने की धमकी भी दी गई है। एसएसपी ने साइबर टीम को जांच के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया है। ये घटना डिबाई क्षेत्र की है। पीड़ित युवक ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र देकर बताया कि कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई थी। वीडियो कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से अश्लील वीडियो शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी पक्ष द्वारा उसके चेहरे का प्रयोग करके उसकी फर्जी अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब तक आरोपियों द्वारा उससे 28,000 रुपये वसूल भी लिए हैं। अब भी आरोपी से दोस्तों लगातार रुपयों की मांग की जा रही है। रुपये देने से इनकार करने पर वीडियो और फोटो उसके परिजनों को भेजने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह नगर क्षेत्र के एक युवक ने एसएसपी को शिकायती पत्र भेजकर बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले उसके व्हाट्सएप नंबर पर किसी लड़की का मैसेज आया। लड़की ने बातचीत करने के बाद वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल में लड़की द्वारा अश्लील हरकतें की गई और उसकी क्लिपिंग को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपियों द्वारा अलग अलग नंबरों से कॉल करके उससे करीब 25,000 रुपये वसूल लिए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि साइबर टीम की मदद से दोनों मामलों की जांच कराई जा रही है। लोगों को अनजान नंबर से वीडियो कॉल रिसीव करने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, ये दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। साइबर ठगों का गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय है। करीब 6 महीने पहले गिरोह द्वारा अनूप शहर क्षेत्र के एक पूर्व विधायक को भी व्हाट्सएप पर कॉल आई थी और वहां भी लड़की अश्लील हरकतें कर रही थी। दोस्तों इन दिनों ब्लैक मेलिंग का खेल बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब